साउथ खेल कोल ट्रेन का डिपार्चर होने लगा है। सनावा स्टेशन का सिग्नल जो है वो डेंजर था, क्योंकि डाउन साइड से जेड बी के सी स्पेशल ट्रेन आ रही थी, तो अब वो सनावा स्टेशन की लूप लाइन पर रुक गई है, तो इसका डिपार्चर हो रहा है। अब ये सनावा स्टेशन से आउटसाइड ठहरी थी। नवे 47 के साथ कोल ट्रेन जो कि रुकने के बाद फिर चली है। आज डेट है 4 मई 2024, टाइम हो गया सुबह के 8:25 और इस टाइम काफ़ी ठंडी ठंडी हवा जो है चल रही है, तो आज जो है ट्रेन देखने का मज़ा ही अलग है। यानी उधर से ठंडी ठंडी हवा और उधर से ट्रेन पास होते हुए जब हम देखेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। ठंडी हवा आप तो इंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो कर रहा हूँ। तो आज 129 आपके साथ लोकोमोटिव आ रहा है HBU 2805080 50, जो कि काफ़ी अर्से के बाद अब लिंक पर आ गई है, और 9 कोचिज़ ट्रेन के साथ लगी हुई हैं। इस टाइम महमूदकोट इंटर हो रही है स्टेशन पे 129 अप। ट्रैकर के मुताबिक इस टाइम इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन अब जो है तकरीबन 8:47 तक सनावा पहुँचेगी, यानी 15 मिनट्स लेट। और
आज काफ़ी अरसे के बाद HBU 2080 50 जो है 129 आपके साथ आ रहा है। कभी तो वो दौर भी हुआ करता था कि जब 47 वाली पावर भी 129 आपको लगा करती थी और GU40 भी 129 को लगा करता था, यानी 8 कोचिज होती थी और एक दफ़ा तकरीबन 70 की स्पीड में 129 अब पास हुई थी। उस वक्त ये फाटक जो है ये नहीं होता था, ठीक है। तो मैंने इधर वीडियो बनाई थी GU40 90-12 की, जो कि 129 आपके साथ वर्किंग कर रहा था, तकरीबन 70 की स्पीड से पास हुआ था इधर से फाटक से। तो वो भी कितना सुनहरा दौर था कि जब GU40 के लोकोमोटिव भी हमारे लिंक की ट्रेनों को लगते थे। तो उस वक्त जो है मैंने चैनल नहीं बनाया हुआ था, इसी वजह से मुझे ख़ास जो है वीडियो बनाने का इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। तो 90-17 के साथ एक दफ़ा मैंने 129 देखी थी, 90-16 के साथ 127 अप देखी थी और 90-12 के साथ भी 129 अप जो है गई थी इधर से 70 की स्पीड में तकरीबन, ठीक है। तो 90-54 के साथ 130 डाउन जो है लास्ट टाइम गई थी। उसके बाद फिर जो है GU40 लोकोमोटिव पर पाबंदी लगा दी गई थी कि वो लेंक की गाड़ियों को नहीं लगेंगे ब्रांच सेक्शन पर, यानी कुंदिया से मुल्तान तक। अब GU40 लोकोमोटिव जो है वो एमरजेंसी के अलावा किसी भी ट्रेन को नहीं लग सकते। अब रात थोड़ी सी एमरजेंसी थी, यानी 127 आपकी पावर जो है बीहल नोतक और पखर के दरमियान फेल हुई है 80-40, तो पावर कोई और मौजूद थी नहीं साथ साथ। तो दो स्टेशनों के फ़र्क पे एक दाऊद खेल कोल ट्रेन ठहरी थी 90-33 के साथ। तो 90-33 फिर रिलीफ इंजन गया शाह आलम तक, उसने जो है वर्क किया है 127 आपको रात। यानी अगर किसी सेक्शन पर किसी पावर के लिए पाबंदी लगाई जाए, जैसे आप कुंदिया सेक्शन में मुल्तान से कुंदिया तक GU40 पर पाबंदी थी कि ये लिंक की गाड़ियों को लीड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जब एमरजेंसी हो तो फिर GU40 क्या, अगर GMU30 भी होता वो भी रात 127 को लीड करता। RG24 जिस पर आल पाकिस्तान में पाबंदी है कि ये एक्सप्रेस ट्रेन को लीड नहीं कर सकते, अगर वो भी रात ठहरा होता तो वो भी रिलीफ के तौर पर जाता। यानी जब किसी इंजन ट्रेन की पावर फेल होती है तो उस वक्त एमरजेंसी में कोई भी इंजन जो है वो लगाया जा सकता है, जिस तरह लास्ट टाइम 127 आपके साथ 49-06 लगाया गया था जिसका व्हील भी जाम था। तो एमरजेंसी में कहने का मतलब है कि कोई भी इंजन ट्रेन को लग सकता है, चाहे उस पर जितना भी पाबंदी लगी हुई हो पहले से, ठीक है। तो GU40 पर पाबंदी थी, तो आज रात वो जो है उसने शाह आलम तक वर्क की है 127 पक्खा से शाह आलम तक, और फिर वापसी कोल ट्रेन को लगाया वापसी GU40 93, क्योंकि मेयर एक्सप्रेस के लिए रिलीफ पावर आ गई थी 80-30। तो बस जो न्यू थाल एक्सप्रेस चली ना ZC20 लोकोमोटिव का लिंक जब से ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद फिर इसके साथ पावर चेंज वगैरह नहीं की गई, यानी वही 80 वाली पावर लगा रहे हैं, जो पावर 127 के साथ जाती है अगले दिन फिर 130 राउंड के साथ आती है। तो अगर कोई फेलियर प्रॉब्लम आ जाए तो उस वक्त कोई इंजन जो है वो चेंज वगैरह किया जाता है, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर सनामा में पावर फेल होती है तो नज़दीकी शेड जो है वो महमूद कोट है, तो महमूद कोट चाहे 90 वाली ठहरी हो पावर या 60 वाली तो वो रिलीफ आ सकती है। अदरवाइज़ अगर पावर वगैरह फेल ना हो तो फिर कोई चांस नहीं है कि थल एक्सप्रेस के साथ लोकोमोटिव का लिंक चेंज किया जाएगा। हाँ, ये भी अच्छी बात थी अगर PH20 लोकोमोटिव को थल एक्सप्रेस के साथ लगा देते, यानी पाकिस्तान हिटाची अल को 83 वाली पावरें, वो भी बहुत अच्छी बात थी, रावलपिंडी शेड की पावरें थी, लेकिन वो भी मुश्किल है बहुत। बाकी जो ZCU20 लोकोमोटिव 129 के साथ लगाने का कह रहे थे वो भी नहीं लग रहे, क्योंकि अब मई का महीना आ गया है, 4 मई है, तो गर्मियाँ तो स्टार्ट हो गई हैं। अगर इंजन ZC20 के लगने होते 129 या 130 के साथ तो बाकायदा कोई नोटिफिकेशन आ जाता, लेकिन ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है तो पूरे गर्मियों में यही 80 वाली पावरें ही वर्क करेंगी 129 को, ठीक है। वैसे 127 के साथ तो वैसे भी पावरें चेंज की भी नहीं गई थी लास्ट टाइम, जब ZC20 का लिंक था इसके साथ थल के साथ, तो मियर की पावरें फिर भी चेंज नहीं की गई थी। तो अब भी HBU20 लोकोमोटिव ही लीड करेंगे 129 को। तो अभी फिर मैं चल रहा हूँ लेवल क्रॉसिंग की तरफ 80-50 के साथ 129, अब फिर देखते हैं 129 अब थल एक्सप्रेस पिछले फाटक पे आ गई है। और अभी एक भाई ग्रुप में बता रहे थे कि इंजन नंबर 80-50 नहीं है, 78 है, तो अभी कंफर्म नहीं है। उस वक्त तो सुबह तो अपडेट मिली थी कि 80-50 आज 129 अब लीड कर रहा है कुंदिया से मुल्तान से कुंदिया के लिए, तो अब न्यू अपडेट के मुताबिक 80-78 आ रहा है। तो मज़ीद जब ट्रेन आएगी तो हम देखेंगे कि 80-78 है या 80-50 है 129 के साथ। तो 80-78 जो है ये 4 मोटरों पर है,
फिट है और 8 नाच पर, और 8050 जो है ये 8 नाच पर फिट है 6 मोटरों पर, वो दोनों स्पीडी लोकोमोटिव्स हैं। अभी मैं ठहरा हूँ किलोमीटर नंबर 55/2 पे। और आज भी ट्रेन की स्पीड वही है जो हमेशा होती है हमारे सेक्शन पर, 40 से 55 के दरमियान। आपके साथ लोकोमोटिव 8078।